गाइस, मेरा बताया हुआ ये पेस्ट रोजाना सुबह उठते ही अपने दांतों पर लगा लीजिए। आपके पुराने से पुराने पीले दांत या उनमें काले धब्बे पड़े हुए हैं या किसी भी तरीके के निशान है, वो बिल्कुल हट जाएंगे। आप बिल्कुल डिफरेंस देख के इतना ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे काश हमें पहले पता होता तो हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ती। आपको तो पता ही है, हम में से बहुत सारे लोग अपने कपड़ों का, अपने बालों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने दांतों को भूल जाते हैं। और जब किसी हम चार लोगों में खड़े होते हैं और जब हंस रहे होते हैं या किसी से बात करते हैं, तो जब वो हमारे पीले दांतों को देखता है तो सोचे हमारे बारे में क्या सोचता होगा कि इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन काश अपने दांतों पर भी थोड़ा टाइम दे दिया होता। तो यही मैं चाहती हूँ कि आपको शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े और खुद की भी पर्सनालिटी, खुद का भी एक अच्छा और फ्रेशनेस फील हो, आपकी स्माइल एकदम सुंदर लगे। इसके लिए जानते हैं क्या है वो रेमेडी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जमकर शेयर करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishramehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है आधा चम्मच मीठा सोडा। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 से 3 बूंदें नींबू के रस की। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप नोटिस करेंगे इसमें हल्का सा झाग आएगा, बट वो बहुत नॉर्मल है। उसके बाद इसको ब्रश की हेल्प से अपने दांतों पर इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक रब करें। जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी आपकी पीली परत थी वो बहुत ही अच्छे से एकदम हटती जा रही है और आपके दांत एकदम सुंदर दिख रहे हैं और मोतियों की तरह चमक उठे हैं। लेकिन अगर ये मैल आपकी 1-2 महीने या 6 महीने पुरानी है तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, लेकिन अगर बहुत सालों पुरानी है या आपके दांत बिल्कुल काले पड़ चुके हैं या फिर उनमें धब्बे आ चुके हैं, तो उनको जाने में कम से कम 1 वीक का समय लगेगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, 1 वीक तक आपने सेम चीज को अपने दांतों पर रोजाना अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ दिन में 1 बार। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी जो जरूर आपको फॉलो करना चाहिए और आपके बच्चों को भी आपको फॉलो करवाना चाहिए। जो आपके दांतों पे हमेशा कोई भी मैल नहीं जमने देंगे, आपके मुंह से कभी स्मेल नहीं आने देंगे, तो मैं इसके लिए 2 चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहली टिप है, जो भी आप इमीडिएटली खाते हैं और उसके बाद कुल्ला कर लेते हैं तो वो आपके दांतों में जमता नहीं है, आपके दांतों में सड़ता नहीं है, जिससे आप कैविटी की प्रॉब्लम से बचेंगे और आपके दांत पीले नहीं होंगे, ठीक है। टिप नंबर 2 है कि आपको रोजाना सौंफ को जरूर चबाना चाहिए। सौंफ चबाने से क्या होता है, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आती और आपके मुंह से बहुत ही एक अच्छी सी सुगंध आती है और आपको खुद से फ्रेशनेस फील होती है। और जब सामने वाला आपसे बात करता है तो अगर आपको ये मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम है तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी इंपॉर्टेंट टिप और ये रेमेडी बेहद पसंद आई होगी। तो प्लीज देखो मत, जाकर अपने वॉशरूम में जाओ, चीजें कलेक्ट करो, ब्रश कर डालो, अपने दांतों की येलोपन को हटा डालो और साथ में वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल। गाइस, मेरा बताया हुआ ये पेस्ट रोजाना सुबह उठते ही अपने दांतों पर लगा लीजिए। आपके पुराने से पुराने पीले दांत या उनमें काले धब्बे पड़े हुए हैं या किसी भी तरीके के निशान है, वो बिल्कुल हट जाएंगे। आप बिल्कुल डिफरेंस देख के इतना ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे काश हमें पहले पता होता तो हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ती। आपको तो पता ही है, हम में से बहुत सारे लोग अपने कपड़ों का, अपने बालों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने दांतों को भूल जाते हैं। और जब किसी हम चार लोगों में खड़े होते हैं और जब हंस रहे होते या किसी से बात करते हैं, तो जब वो हमारे पीले दांतों को देखता है तो सोचे हमारे बारे में क्या सोचता होगा कि इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन काश अपने दांतों पर भी थोड़ा टाइम दे दिया होता। तो यही मैं चाहती हूँ कि आपको शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े और खुद की भी पर्सनालिटी, खुद का भी एक अच्छा और फ्रेशनेस फील हो, आपकी स्माइल एकदम सुंदर लगे। इसके लिए जानते हैं क्या है वो रेमेडी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जमकर शेयर करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishramehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है आधा चम्मच मीठा सोडा। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 से 3 बूंदें नींबू के रस की। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप नोटिस करेंगे इसमें हल्का सा झाग आएगा, बट वो बहुत नॉर्मल है। उसके बाद इसको ब्रश की हेल्प से अपने दांतों पर इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक रब करें। जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी आपकी पीली परत थी वो बहुत ही अच्छे से एकदम हटती जा रही है और आपके दांत एकदम सुंदर दिख रहे हैं और मोतियों की तरह चमक उठे हैं। लेकिन अगर ये मैल आपकी 1-2 महीने या 6 महीने पुरानी है तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, लेकिन अगर बहुत सालों पुरानी है या आपके दांत बिल्कुल काले पड़ चुके हैं या फिर उनमें धब्बे आ चुके हैं, तो उनको जाने में कम से कम 1 वीक का समय लगेगा।
जिसके लिए आपको क्या करना है, 1 वीक तक आपने सेम चीज को अपने दांतों पर रोजाना अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ दिन में एक बार। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी जो जरूर आपको फॉलो करना चाहिए और आपके बच्चों को भी आपको फॉलो करवाना चाहिए, जो आपके दांतों पे हमेशा कोई भी मैल नहीं जमने देंगे, आपके मुंह से कभी स्मेल नहीं आने देंगे। तो मैं इसके लिए 2 चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहली टिप है, जो भी आप इमीडिएटली खाते हैं और उसके बाद कुल्ला कर लेते हैं तो वो आपके दांतों में जमता नहीं है, आपके दांतों में सड़ता नहीं है, जिससे आप कैविटी की प्रॉब्लम से बचेंगे और आपके दांत पीले नहीं होंगे, ठीक है। टिप नंबर 2 है कि आपको रोजाना सौंफ को जरूर चबाना चाहिए। सौंफ चबाने से क्या होता है, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आती और आपके मुंह से बहुत ही एक अच्छी सी सुगंध आती है और आपको खुद से फ्रेशनेस फील होती है, और जब सामने वाला आपसे बात करता है तो अगर आपको ये मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम है तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी इंपॉर्टेंट टिप और ये रेमेडी बेहद पसंद आई होगी। तो प्लीज देखो मत, जाकर अपने वॉशरूम में जाओ, चीजें कलेक्ट करो, ब्रश कर डालो, अपने दांतों की येलोपन को हटा डालो और साथ में वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।